गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आप देख ही सकते हो, द किंग ऑफ एसयूवीज वन ओनली टोयोटा फॉर्च्यूनर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे खड़ी है, विच इज़ दी ऑटोमेटिक वर्जन डीजल एंड 4x2 है। अगर 4x4 होता तो यहाँ पे सिग्मा 4 की बैचिंग होती है, आप देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। चलिए गाइस आज की इस वीडियो में इस गाड़ी का पूरा रिव्यू करेंगे, हम बताऊंगा आपको एक एक चीज़ करके इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं। एंड भाई साहब ये जो गाड़ी टोयोटा वालों ने खड़ी कर रखी है बिल्कुल सही जगह पर खड़ी कर रखी है, मतलब जिस टाइप की गाड़ी ऑफ रोड कर सकती है उसी टाइप की खड़े जगह पे खड़े कर रखी है। मैं आपको एक बार इसका फ्रंट लुक दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह का इसका फ्रंट लुक है, बड़ा ही मैसिव एंड बड़ा ही ह्यूज है। मेरा फर्स्ट ओपिनियन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, अभी मेरा आप पूरा रिव्यू देखिए, मैं आपको एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा, इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर सब कुछ। चले गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले गाड़ी के जो है वो हम फ्रंट लुक से बात करेंगे। यहाँ पे मैं अंदर आ गया था गाड़ी को थोड़ा सा देखने के लिए, चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। फ्रंट लुक से बात करते हैं, सबसे पहले कुछ इस तरह का आपको गाड़ी में फ्रंट लुक देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे जो है आपको बड़ा सा टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिलेगा। इतनी बड़ी गाड़ी पे बड़ा सा टोयोटा लोगो बहुत बढ़िया लग रहा है। कुछ इस तरह की आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ पे आप हॉर्न भी देख सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे लीटर ग्रिल वगैरह है, यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे कुछ इस तरह के आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं, फॉग लैंप यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्रिल देने की दिए कोशिश बहुत बढ़िया दिख रही है गाड़ी में। यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट देखने के लिए मिलता है गाड़ी में। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे आपको हेडलाइट देखने के लिए मिलेगा। बस भाई इस गाड़ी में जो है वो सिंगल प्रोजेक्टर आता है हाई बीम लो बीम के लिए, बट भाई इसकी गाड़ी के लाइट्स क्या ही बोले, अंधा कर देता है सामने से अगर इसकी हाई बीम पड़ जाए, बिकॉज इसकी लो बीम भी इतनी स्ट्रांग है तो क्या ही बोले, वो भी सिंगल प्रोजेक्टर होने के बाद भी। यहाँ पे आपको इस तरह की आपको DRL देखने के लिए मिलेंगी, ये जो है लेजेंडर नहीं है। इंडिकेटर यहाँ पे इस गाड़ी में जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, कुछ इस तरह के आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिलेंगे, बढ़िया से बहुत बड़े बड़े हैं। फुल्ली LED सेटअप आता है इस गाड़ी में, बिकॉज भाई ये गाड़ी इतनी प्यारी है कि इसको क्या ही बोलूँ यार मैं। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही बढ़िया है, आपको इस तरह का लुक देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको इसका सबसे पहले जो है वो इंजन दिखा दूंगा, बिकॉज इतनी बड़ी गाड़ी को कौन सा इंजन जो है वो पावर दे रहा है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। भाई इसका जब आप बोनट खोलोगे ना आपको मतलब इतनी तगड़ी फील आएंगी ना, मैं क्या ही बताऊँ अभी आपको। चलिए मैं आपको इसका भी बोनट खोल के दिखा देता हूँ एक बार। इसमें जो है वो गाड़ी में आपको देखने के लिए मिलता है, भाई ये कितना भारी है, ओ माय गॉड। अगर आप इससे थोड़ी एक्सरसाइज करते हो तो भाई आपकी बॉडी बन जाएंगे कुछ दिन में, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टोयोटा का बड़ा सा ही बहुत बड़ा इंजन, बहुत ही बड़ा एरिया है भाई इसका कंपार्टमेंट, बहुत ही ज़्यादा वेल फिनिश एंड क्लीन है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 2.8 लीटर का डीजल इंजन, जिसकी पावर स्पेक है 201 BHP एंड 500 Nm का टॉर्क। भाई कितनी पावरफुल गाड़ी, चलिए इसको भी लगा देते हैं, बहुत ही भारी है भाई साहब ये, मतलब इसको बंद करने में आपने जो साउंड सुनी उससे आपको पता चल जाएगा भाई ये गाड़ी कितनी सॉलिड है। साइड प्रोफाइल में आते हैं, कुछ इस तरह के आपको गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही बढ़िया है। एंड ऑब्वियसली गाड़ी जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीटर ऑप्शन में आती है। पीछे की रो में भी सीट से दी है यहाँ पे, जिसको आप फोल्ड भी कर सकते हो। चले हम जब अंदर जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको इस तरह का टायर देखने के लिए मिलता है गाड़ी में भाई साहब, यहाँ पे आपको इस तरह का बड़ा सा सस्पेंशन, एंड भाई कितना बड़ा इसका कंपार्टमेंट एरिया है सच में भाई, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे कुछ गाड़ी की देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे कुछ तरह का अलॉय व्हील दिया गया है, बहुत ही प्यारा टोयोटा का यहाँ पे लोगो दिया है। टायर प्रोफाइल अगर मैं आपको बताऊँ, ब्रिजस्टोन के टायर है। बाकी मैं आपको बता दूँ टायर की प्रोफाइल जो है वो मिलेंगे आपको देखने के लिए 265 R17 17 इंच की टायर है, बहुत ही बढ़िया है एंड बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं भाई साहब, कितने स्ट्रॉन्ग यार। फिर आपको जो है वो फुट स्टेप देखने के लिए मिलता है, बिकॉज आप इसी से जो है वो गाड़ी में चढ़ पाओगे, बट अभी मैं चढ़ूंगा नहीं गाड़ी में, अभी मैं आपको गाड़ी के पीछे लेके जाऊँगा जहाँ पे आपको गाड़ी के किस तरह इस तरह की कुछ लुक देखने के लिए मिलेंगी, बहुत ही बढ़िया बहुत ही यूज लुक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के मैट्रिक डिजाइन में जो है वो टेल लाइट देखने के लिए मिल रहा है, कुछ तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ तरह के टेल लाइट देखने के लिए मिलेंगे। बड़ा सा टोयोटा का लोगो एंड नेचर फॉर्च्यूनर लिखा गया है क्रोम फिनिश में। यहाँ पे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट आएंगी, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का गाड़ी का बैक लुक देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे जो है वो डिफॉगर भी अवेलेबल है, वाइपर एंड ऑब्वियसली वॉशर। LED हाई स्टॉप लैम्प अवेलेबल है, शार्क फिन एंटीना है। भाई साहब ये गाड़ी कितनी ऊंची है मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखो भाई उस तरह के आपको रूप देखने के लिए मिलेंगी, सनरूफ वगैरह इस गाड़ी में नहीं आती है। यहाँ पे आपको जो है वो डीजल डालने के लिए आपको ये जगह पे मिल जाएंगी। यहाँ पे कुछ तरह के अलॉय है, टायर है, मैंने आपको दिखाई दिया है। चलिए भाई अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं। यहाँ पे कुछ तरह आपके जो है वो ओवर व्हीम देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे जो है वो टर्न इंडिकेटर भी प्रोवाइड किया गया है। इस गाड़ी में जो है आपको ओवर व्हीम्स के नीचे जो है वो पेडल लैंप्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि रात में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। चलिए अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आपको गाड़ी में जो है वो रिक्वर्स सेंसर भी देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल जो है वो गाड़ी के डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश में है। चलिए गाड़ी के अंदर बैठते हैं। और भाई साहब ये गाड़ी कितनी ऊँची है, सच में भाई कितनी ऊँची है, आपको भाई इसका यूज़ तो करना ही है, इस पर आपको ऐसे पैर रखना होगा, इसको आपको पकड़ना होगा ना, आप फिर भाई बड़े ही राजा वाले फील से गाड़ी के अंदर बैठोगे, बिकॉज ये राजा वाले ही गाड़ी है, टोयोटा फॉर्च्यूनर। चलिए गाड़ी की मैं सीट थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या फीचर्स आपको इंटरव्यू में देखने के लिए मिलते हैं।
का कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लुक देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको जो है वो गाड़ी का जो है वो ऊंची ऊंची वाली फील जो कहते हैं भाई, वो गाड़ी में भर भर के है। बिकॉज ये गाड़ी इतनी ऊंची है और ऊपर से इसकी गाड़ी की सीटिंग कितनी ऊंची है मैं आपको क्या ही बताऊँ। देख लीजिए आप पहले, फिर हम एक एक करके बात करेंगे। इससे शुरुआत करते हैं, आपको यहाँ पे जो है वो ट्विटर देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पे आपको ORM देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है वो ORM कंट्रोल्स के लिए, फोल्ड अनलॉक के लिए, फोल्ड अनफोल्ड के लिए, डोर लॉक अनलॉक के लिए, एंड यहाँ पे जो है वो आप मिरर जो है वो लॉक भी कर सकते हो, जिसको चाइल्ड लॉक, चाइल्ड मिरर लॉक भी कहते हैं। चलो यहाँ पे आपको जो है वो और फोर के पावर विंडोज देखने के लिए मिलेंगे है विथ ऑटोमेटिक, मतलब ये जो है वो चारों ऑटोमेटिक है, अप टॉप डाउन टू डाउन। कितनी बढ़िया भारी बात, मतलब आप जब इस टाइप के गाड़ी के रेंज में, इतनी प्राइस रेंज में जब आप आ जाते हो तो आपको चारों पावर विंडोज ऑटोमेटिक तो मिलती है विथ ऑटोमेटिक फीचर्स अप एंड डाउन। आपको गाड़ी के एसी वेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, बड़े बड़े एसी वेंट्स है बड़ी बड़ी गाड़ी में ठंडा करने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी में टाइम आता है, यहाँ पे इसको एसी यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे हजार्ड लाइट्स ऑन ऑफ के स्विच है, यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है वो देखने के लिए मिलेंगे एसी वेंट्स। यहाँ पे फॉर्चूनर लिखा गया है, एंड अगर आप इसको प्रेस करते हो तो आपका बहुत ही बढ़िया से स्मूथली खुल जाता है। ये जो है वो कूल्ड है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कूल्ड अनकूल्ड के लिए स्विच दिए है। कंपार्टमेंट देखने के लिए मिलेंगे, ये कूल्ड है, एंड अगर आप इस बटन को दबाओगे तो यहाँ पे जो है आपका गाड़ी का ग्लव बॉक्स खुलेगा, जो कि बढ़िया स्मूथ से खुल रहा है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो है आप इसको लॉक एंड अनलॉक भी कर सकते हो, मतलब अगर आपको कोई कीमती सामान रखा है कीमती तो आप यहाँ पे रख सकते हो। सिस्टम के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको बढ़िया सा म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे फिजिकल बटन्स एंड इस तरह का आपको कुछ यूनिट देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एयरबैग्स की बैचिंग है, आप जो है वो एयरबैग्स जो है वो ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो, पैसेंजर एयरबैग्स ड्यू टू सम रीजंस आप जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी देखने के लिए मिलते हैं विद ड्यूअल फंक्शन, यस। यहाँ पे एंड पीछे के आप दोनों भी टेम्परेचर डिफरेंट अरेंज करके सेट करके आप गाड़ी को जो है वो ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ऑटोमेटिक क्लियर क्लाइमेट कंट्रोल है, यहाँ पे कुछ इस तरह के आपको बटन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का कंपार्टमेंट देखने के लिए मिलेगा। वेंटिलेटेड सीट्स गाड़ी में आते हैं, जिसके कंट्रोल यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे आपको कुछ यूएसबी देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे आप इसकी यूएसबी लगा के आई थिंक म्यूजिक सिस्टम में जो है वो एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले एंड जो है वो आपको जो है वो यूएसबी आप लग इन कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है वो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिलता है, कुछ यहाँ पे आपको देख सकते हो, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह का कंपार्टमेंट देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का कंपार्टमेंट देखने के लिए मिलेगा। आप बोलोगे यार यहाँ पे तो कप होल्डर है ही नहीं, बिल्कुल यहाँ पे कप होल्डर्स आप देखेंगे, बड़ा स्मूथली खुल जाता है। यहाँ पे आपको दो दो बड़े बड़े कप होल्डर्स देखने के लिए मिलते हैं, कुछ इस तरह से बंद भी हो जाता है, मतलब यार सही है अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो आप इसको बंद कर दो या फिर आप इसको खोल भी सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। चलिए आपको कुछ तरह का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलने वाला है फॉर्चूनर में 4x2 डीजल में। यहाँ पे आपको जिस तरह देखने के लिए मिलेगा PRENDE एंड स्पोर्ट्स मोड के लिए, आप इसको यहाँ पे करके यू कैन यूज़। यहाँ पे आप कीवी लगा सकते हो, मतलब ये जो है वो कभी आप जो बैटरी डाउन वगैरह हो गए ना, अगर आपको गाड़ी को न्यूट्रल करना है तो उसके लिए यूज़ होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कीवी में से जो है वो लग जाता है। यहाँ पे आपको ड्राइव मोड देखने के लिए मिलेंगे, इको स्पोर्ट्स नॉर्मल, इको नॉर्मल स्पोर्ट्स, ओके। गाड़ी में कुछ बढ़िया सी जो है वो वुडन फिनिश देखने के लिए मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बना देती है गाड़ी को। मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे जो है वो आपको सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलता है, सॉफ्ट टच मटेरियल है यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊँ ये जो है वो सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है, एंड ये जो है वो हार्ड प्लास्टिक है। कुछ गाड़ी में इस तरह का देखने के लिए मिलता है, बड़े ही प्यारे से लेदर राइट स्टिच करके दिया गया है, बहुत ही प्रीमियम लुक आ रही है। यहाँ पे आपको इस तरह का आमरेज देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा डीप है भाई साहब ये, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। यहाँ से जो है वो लॉक अनलॉक होता है, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, एंड यहाँ पे आप इसको बढ़िया से ही हाथ रख के एक हाथ से गाड़ी चला सकते हो, मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट रिकमेंडिंग, बट ऑटोमेटिक है तो आपको जो है वो फ्री होगा एक पैर एंड एक हैंड। इस तरह का आपको जो है वो गाड़ी में साइड प्रोफाइल डोर देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे कुछ इस तरह के सिल्वर टेक्सचर्स एंड लेदर फिनिश दी गई है। ये जो है वो लेदर है, एंड ये जो है वो हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे आपको गाड़ी में जो है वो दो ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलेंगे फ्रंट साइड में, बिकॉज ये गाड़ी बहुत ही ऊंची है। यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है वो मिरर वगैरह देखने के लिए मिलेगा, वैनिटी मिरर विद द लाइट, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट भी दी गई है, मतलब बहुत ही बढ़िया है यार। इसको बंद कर देते हैं, ड्राइवर साइड देखे तो ड्राइवर साइड भी है, जी हाँ यहाँ पे भी लाइट दी गई है। बट एक चीज़ आप नोटिस करना, यहाँ पे जो है वो गाड़ी में सनरूफ नहीं है, बिकॉज आप फॉर्चूनर में सनरूफ नहीं आती है। वहाँ पे सनग्लास होल्डर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं वर्क भी दिया गया है, सो दैट आपका जो सनग्लास है वो काफ़ी सही से रहे एंड स्क्रैचेस वगैरह उस पर नहीं आए। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का IRVM देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑटो है, ऑटोमेटिक है, मतलब जो है वो बाहर से जब रात में आप गाड़ी चलाओगे एंड जो है वो हाई बीम या फिर लाइट आपके गाड़ी आप जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करे, इसलिए जो है ये ऑटोमेटिकली लाइट को डिम कर देगा। यहाँ पे कुछ इस तरह के आपको लाइट देखने के लिए मिलते हैं, जो कि वाइट LED लाइट दी गई है, बड़ी प्रीमियम लुक बना रहे हैं इस गाड़ी को। ये था गाड़ी का इंटीरियर। अभी स्टीयरिंग के बारे में बात करते हैं, तो स्टीयरिंग में आपको बड़ा सा टोयोटा का लोगो देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह का गाड़ी में हॉर्न देखने के लिए मिलेगा, बड़ा ही लाउड एंड बड़ा ही, मतलब क्या ही बोले। देखो अब मैं आपको एक बार और सुना देता हूँ।
बहुत ही लाउड है। यहाँ पे आपको इस गाड़ी का जो है वो स्टिचेस लेदर आइट मिलेगा, स्टेयरिंग व्हील यहाँ पे जो है थोड़ी सी वुडन फिनिश देखने के लिए मिली है, बड़ी प्रीमियम लुक आ रही है। यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, यहाँ पे आपके सारे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल से, यहाँ पे गाड़ी के सारे सारे EMID से रिलेटेड कंट्रोल से आपको कुछ इस तरह का गाड़ी में मीटर देखने के लिए मिलेगा, RPM मीटर, स्पीडोमीटर, टेम्परेचर गाड़ी के इंजन का, एंड ऑब्वियसली फ्यूल गेज, फ्यूल के लिए ये आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको EMID देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे कंट्रोल्स यहाँ पे शो कर देता है, जैसे कि मैं आपको दिखाई रहा हूँ। वाइपर्स के बारे में थोड़ा सा कंट्रोल आपको मैं बता देता हूँ। वाइपर्स के कंट्रोल आपको गाड़ी में जो है वो ऑटोमेटिक देखने के लिए नहीं मिलते हैं, बट जी आपको जो है वो हेडलाइट्स जो है वो गाड़ी में ऑटो आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी पे लाइट ऑटो पे है, या फिर पार्किंग एंड यहाँ पे लाइट ऑन, हाई बीम लो बीम के कुछ इस तरह के स्विच है, क्रूज कंट्रोल का स्विच आपको गाड़ी में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और चलो मैं आपको कुछ इस तरह के स्टीयरिंग व्हील पे जो है वो पेडल शिफ्टर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको गाड़ी में जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे जो है वो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है। यहाँ पे जो है वो गाड़ी की जो है वो बूट भी खोल सकते हो यहाँ से ही। यहाँ पे आपकी गाड़ी का बोनट है, यहाँ पे आपकी फ्यूल लाइट खोलने का ऑप्शन दिया गया है। को नहीं पता है तो मैं बता दूं, यहाँ पे जो है टोयोटा ने जो है वो लिख कर भी दिया है, डीजल गाड़ी में जो कि जो है वो 2000 CC या फिर 2000 CC जो है उससे जो ऊपर आती है गाड़ी जो कि टोयोटा फॉर्च्यूनर आती है, तो उसमें जो है वो DEF यहाँ पे जो है गाड़ी में डालना होता है, तो उसका स्विच जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे आपको। फॉर्च्यूनर में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए कुछ यहाँ पे आपको स्विच देखने के लिए मिलेंगे, एंड अगर आपकी गाड़ी 4x4 वगैरह यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे इस गाड़ी में जो है वो नॉब देखने के लिए मिलेगा, इसलिए जगह जो है वो यहाँ पे MT कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रंट साइड में। अभी चलिए पीछे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें भाई आगे, चलिए अभी पीछे चलते हैं। आपको गोज यहाँ पे एयरबैग्स की बैचिंग देखने के लिए मिलेंगे दोनों भी साइड, SRS एयरबैग्स गाड़ी में आते हैं। टोयोटा फॉर्च्यून में आपको दोनों भी ड्राइवर साइड जो है वो ऑटोमेटिक सीट एडजस्ट करने के लिए मौका मिलेगा। सर ये कुछ तरह का आपको स्पीकर देखने के लिए मिलेगा, कितना सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए डोर में आपको यहाँ पे जो है इस तरह का लाइट भी देखने के लिए मिलेगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गाड़ी में पीछे चलते हैं, यहाँ पे जो है आपको टोयोटा लिख के दिया गया है। चलिए आपको गाड़ी में इससे उतरते हैं, बड़ी ऊँची है भाई साहब ये गाड़ी, क्या ही बताए। यहाँ पे जो है वो टोयोटा लिखा गया है। गाड़ी के डोर को जो है बंद करते हैं। थर्ड साउंड में आपको एक बार सुनाना चाहूँगा, कुछ इस तरह का आपको सॉफ्टली एंड बड़ा ही यूज थर्ड साउंड देखने के लिए मिलता है। पीछे चलते हैं गाड़ी में, पीछे घुसने के लिए आपको कुछ इस तरह से इसका यूज़ लेना ही होगा, नहीं तो आप गाड़ी में पीछे नहीं आ पाओगे। कुछ इस तरह का आपको जो है वो डोर देखने के लिए मिलेगा टोयोटा फॉर्च्यूनर में। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है वो गाड़ी में जो है वो कुछ तरह का सिल्वर फिनिश में जो है वो क्रोम फिनिश में एक्चुअली डोर ओपनर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ऑटो जो है वो मिरर है, पियानो फिनिश देखने दिए की दिए है, यहाँ पे सॉफ्ट टच, ये दोनों भी है। फॉर्च्यूनर में आपको जिस तरह का स्पेस देखने के लिए मिलेगा, ये सीट पूरी पीछे आ गई है, तभी भी मेरे पास इनफ स्पेस है, इनफ नहीं, इनफ से भी ज़्यादा स्पेस है। बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपको जो है आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिलेंगे, जो कि एक आगे है, यहाँ पे पीछे भी है, एंड हम पीछे में वो भी जब हम चेक करेंगे यहाँ पे कुछ आपका मैक्स लोड 4 kg के आपको कुछ इस तरह की हुक देखने के मिलेंगे। कुछ यहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हो, उनको कुछ इस तरह का कंपार्टमेंट देखने के लिए मिलता है जहाँ पे आप कुछ न्यूज़पेपर वगैरह रख सकते हो। कुछ इस तरह का आपको गाड़ी में जो है वो सीट टेक्चर देखने के लिए मिलेगा। पीछे भी एयरबैग आपको देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे SRS एयरबैग की बैजिंग दी गई है। फॉर्च्यूनर का नाम जो है वो गाड़ी में यहाँ पे भी लिखा गया है, जो कि गाड़ी को बहुत ही बढ़िया बना रहा है। छोटी छोटी जगह पे जो है वो टोयोटा का नाम लिख के मतलब बहुत ही बढ़िया दिख रहा है यार, टोयोटा ने जो फॉर्च्यूनर लिखा है। बाकी गाड़ी में जो है वो पूरे की पूरी जगह पे आपको एयरबैग्स देखने के लिए मिलेंगे, पूरी इसरो में एयरबैग्स, सामने एयरबैग्स, फ्रंट बैग्स, एयरबैग्स जो है वो गाड़ी में आते हैं, जिसमें जो है वो नी एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग्स, एवरीथिंग इंक्लूड है। यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है वो 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए भी मिलता है। आपको गाड़ी जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। गाड़ी के में अगर हम अभी पीछे जाने की बात करें तो आपको जो है यहाँ पे इस तरह से आपको कुछ स्विच देखने के लिए मिलेगा। इसका आप जैसे कि आप इसको दबा दोगे, ये जो है वो गाड़ी की सीट फोल्ड हो जाएंगी, उसके बाद ये थोड़ी ऊपर हो जाएंगी। आगे की सीट में थोड़ी आगे कर लेता हूँ, उसके बाद ये जो है वो खुद ब खुद जो है वो आगे चली जाएंगी। यहाँ पे कुछ इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक सीट देखने के लिए मिलते हैं, इसको जब भी जैसे ही मैं आगे कर देता हूँ थोड़ा आगे चली जाएंगी, थोड़ी थोड़ी आगे चली जाएंगी। इस तरह का आपको स्पीकर देखने के लिए मिलता है गाड़ी में। यहाँ पे जो है वो बॉटल होल्डर है, एंड फिर जो है वो पीछे की सीट जो है वो खुद ब खुद फोल्ड हो जाएंगी, एंड यू विल रेडी टू गो इन द रियर सीट। पीछे चलते हैं अभी गाड़ी में, तो मैं आगे अभी गाड़ी में जो है वो पीछे आ चुका हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह की गाड़ी में की सीट देखने के लिए मिलेंगी। पीछे की रो जो है वो जनरली चाइल्ड के लिए है, बड़ा नहीं बैठ सकता है, मैं इसको फोल्ड नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मैं नहीं आ पाऊँगा। बट हाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ इस तरह का आपको कंपार्टमेंट देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में, कुछ इस तरह का है। ये जो है वो बॉटल होल्डर्स वगैरह है, बाकी ग्रैब हैंडल्स गाड़ी में है, एसी जो है वो एसी वेंट पीछे भी है, दोनों साइड के आप आगे का एंड पीछे का डिफरेंट क्लाइमेट जो है वो सेट कर सकते हो। कुछ इस तरह का आपको जो है वो लास्ट में फिर बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। अभी मैं इस सीट को कैसे फोल्ड करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मुझे जो है वो पहले गाड़ी के जो है वो बाहर आ जाना होगा। बाहर आती से ही मैं गाड़ी से जब जंप मारूंगा, मतलब जंप नहीं, जब बाहर निकल जाऊंगा, तब मैं इस सीट को जो है वो इस तरह से लगा दूंगा, इस सीट को जो है वो अप कर दूंगा,
यहाँ पे मैंने सीट को ऑफ कर दिया है, उसके बाद जो है मैं डोर को भी लगा दूंगा, फिर जब मैं गाड़ी के पीऊँगा तब आपको गाड़ी को मैं बताऊंगा। फॉर्च्यूनर में आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली टेल गेट देखने के लिए मिलता है, तो मैं आपको वो टेल गेट दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है वो आपके एक रिक्वेस्ट सेंसर है, यहाँ पे टेल गेट ओपन करने के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। गाड़ी आवाज़ करती सी डोर जो वो पीछे की डिक्की जो है वो बूट जो है वो ओपन हो जाएंगी। कुछ इस तरह से ओपन हो चुकी है गाड़ी की बूट डिक्की, जिसको जो मर्जी आपको बोलना है। फिर आपको इस तरह के लेस देखने के लिए मिलेंगे, जब आप इसको खींचोगे ये खुद ब खुद फोल्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको इसको ऊपर ले जाना है, यानी आप यहाँ पे जो है वो इसको टाई कर सकते हो। अभी मैं जो इसको वापस लगा दूंगा जिस तरह से है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है, यहाँ पे जो है वो गाड़ी हो गई है। अगर आप इस दोनों सीट्स को जो है वो फोल्ड कर देते हो तो भाई गाड़ी में बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही बड़ा बूट स्पेस देखने के लिए मिलेगा। इसके देखिए पीछे जो है वो चार्जिंग सॉकेट दिया गया है क्या, तो यहाँ जी हाँ, यहाँ पे जो है वो चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। तीनों रो में आपको जो है वो चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिलता है। अगर आपको गाड़ी की डिक्की बंद करनी है तो आपको इस तरह का बटन प्रेस करना है, एंड आपको थोड़ा पीछे आ जाना है, गाड़ी की बूट जो है वो खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। कैमरा वगैरह गाड़ी में आपको इस तरह का देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे जो है वो नंबर प्लेट के लिए लाइट वगैरह दिया है। कुछ इस तरह का आपको टेल लाइट देखने के लिए मिलेगा, फुल्ली LED सेटअप है, इंडिकेटर टेल लाइट एंड जो है वो बैक लाइट सब कुछ गाड़ी में दिया गया है। पूरा का पूरा गाड़ी का जो रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2 डीजल ऑटोमेटिक का भी मैं जो है वो आपको एड शोरूम प्राइस बताऊंगा, एंड ऑन रोड प्राइस जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जो वो देख सकते हो। अभी मैं वीडियो अमरावती मुरली टोयोटा में बना रहा हूँ, तो आप उस वहाँ के जो प्राइस में आपको अपडेट कर दूंगा। बट मैं आपको बता दूँ, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस टाइम की प्राइस है, प्राइस में भी चेंज है। एड शोरूम प्राइस फ्रॉम दी टोयोटा जो आती है वो 37.37 लाख आती है। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जाननी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। एंड यस, यू कैन कम मुरली टोयोटा वलगांव रोड अमरावती, जहाँ पे अगर आपको आपकी फॉर्च्यूनर अपनी बनानी है इन द अमरावती और द नियरेस्ट, यू कैन कम। गाइस, कुछ यही था वीडियो ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2 ऑटोमेटिक डीजल। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।